सना मकबूल के ऊपर तो काफी ज्यादा गुस्सा जो है विशाल को आया ही हुआ है और वो चीज दिखाई भी दे रही है। पर सना मकबूल के ऊपर गुस्सा करते करते नैजी को भी जो है विशाल ने बख्शा नहीं। नैजी को भी गुस्सा करते हुए, नैजी के ऊपर भी गुस्सा करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही हैं विशाल पांडे। अब मैंने आप लोगों को बताया कि मुझे ऐसा लगता है कि विशाल के दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि कहीं ना कहीं सना ने क्या गेम खेली है, या सना के ऊपर इस चीज़ का गुस्सा आया है कि भाई इसने जो है कहीं ना कहीं अरमान मलिक को सेटिस्फाइड कर दिया है। क्योंकि अरमान मलिक यही बात बोलता रहता था कि जा तू साफ़ करना तो तुझे आता नहीं है, बाथरूम साफ से तो तुझे फ्लश करना आता नहीं है, गंदा करके आता है तू, ये है वो है। अगर तेरा इतना ही दम था तो रोटी में किचन में तू गया क्यों? अगर तुझसे रोटियां नहीं पकती है, तुझे बाथरूम में जाना चाहिए था, बाथरूम साफ करना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं सना मकबूल ने जो है सेटिस्फाइड कर दिया अरमान मलिक को कि इसको बाथरूम की ड्यूटी मिल गई, तो शायद उसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं विशाल हर्ट हो गया। अब जो है चंद्रिका की तबीयत खराब है और चंद्रिका जो है नहीं बनाना चाहती है डिनर, तो विशाल और जो नैजी है वो डिनर बना रहे हैं। वहां पर सना मकबूल आकर यही बात बोलती है कि विशाल अगर मतलब कि तुझे वो ड्यूटी नहीं करनी थी तो तू मुझे तभी के तभी बोल सकता था। तो वहाँ पर विशाल का कहना ये है कि मैं अपने दोस्तों को दूसरों के सामने जो है वो कुछ बोलता नहीं हूँ, तू अलग है मैं अलग हूँ। ये बात सुनने के बाद नैजी बीच में आ जाता है और नैजी बोलता है कि भाई अगर ऐसा है तो एटलीस्ट तो उसको बुरा तो फील मत करवा। तो नैजी की इस बात से और ज़्यादा भड़क जाता है विशाल और विशाल बोलता है कि नैजी देख मेरी और इसकी बात है तो बीच में पड़ मत। तो नैजी जो है वहीं के वहीं चुप हो जाता है। तो ये आखिरकार मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा प्रडिक्शन ऐसा है कि विशाल को इस चीज़ से बुरा लगा है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? नहीं तो और तो कोई ऐसा कोई मुद्दा नहीं है कि भाई वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाए। कभी कभार कोई इंसान, ज़्यादातर लड़कियां जो है, जो चीज़ दिल में होती है, जो चीज़ प्रॉब्लम होती है, जो प्रॉब्लम एक्चुअली में वो फेस कर रही होती है, उसको जल्दी जल्दी वो ज़ुबान पे लेके नहीं आ पाती हैं और वो चिड़चिड़ाती रहती हैं, उनका मूड जो है काफ़ी ज़्यादा स्विंग होते रहते हैं। तो ऐसा ही मुझे विशाल में इस वक्त बिहेवियर लग रहा है कि जो मन में है, जो दिमाग में है, वो मुंह पे लेके नहीं आ रहा है और उसको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है और अंदर ही अंदर जो है वो अपने गुस्से को पिए जा रहा है, गुस्सा उसको चढ़े जा रहा है और पता नहीं जब भी सामने आएगा तो कितने ज़्यादा गंदे से वो फटेगा। क्या है आपका कहना, बताइए ज़रूर।